मित्रों, आप सभी का स्वागत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त हुई है। देश में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड इन निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। वेंकैया नायडू का परिचय देने की वैसे जरूरत नहीं है। अक्रॉस द पार्टी लाइन वेंकैया जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। श्री वेंकैया नायडू 1970 से ही सार्वजनिक जीवन में रहे। पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे, जेपी मूवमेंट के एक दक्षिण के महत्वपूर्ण नेता बने और बाद में आंध्र प्रदेश की यूथ विंग के अध्यक्ष रहे, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भाजपा के महासचिव रहे, दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दो बार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे। वैसे देखे तो करीब 25 साल से लंबा सुदीर्घ संसदीय कार्य का उनका अनुभव है। वो अटल जी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे और अभी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और आईएनबी मिनिस्टर के नाते यशस्वी रूप से काम कर रहे हैं। वेंकैया जी बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू होकर एक किसान परिवार से आकर आज वेंकैया जी भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों पर काम करते करते देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। श्री वेंकैया जी का नाम एनडीए के सभी साथी दलों ने उसका स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वानुमत से श्री वेंकैया नायडू जी के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। कल वेंकैया जी अपना नामांकन करेंगे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाते, एनडीए के प्रत्याशी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नाते। ऑपोजिशन ने ऑलरेडी अपना नाम डिक्लेयर कर चुके हैं तो सर्वानुमति करनी होती तो शायद वो थोड़ा राह देखते। अभी तो 11 बजे का तय है तो आपको और भी मीडिया विभाग की ओर से सूचित किया जाएगा थोड़े समय में। देखिए, मैं ये सारी चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। मैं इतना जानता हूं कि वेंकैया नायडू जी अक्रॉस द पार्टी लाइन देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। इसलिए पूरे एनडीए के दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम को चयनित किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, वेंकैया जी ने शुरुआत से ही पार्टी के हर निर्णय को स्वीकारा है और ये निर्णय को भी उन्होंने बड़े मन से स्वीकार किया है। धन्यवाद।